वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर हुआ हादसा। बता दें कि अभी भी रोपवे पर हादसे में 24 घंटे के बाद भी 21 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से दोबारा रेस्क्यू शुरू किया गया। अब तक 27 श्रद्धालुओं को बचाया गया है, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। रविवार की शाम 4 बजे हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रोलियां रवाना की थी। अभी जो पर्यटक फंसे हैं वो बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी फंसे पर्यटकों को सकुशल ट्रोली से नीचे उतारने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इस हादसे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नजर है और NDRF से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।